24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है कुछ स्थानीय खबरों का। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर आए दिन धरना प्रदर्शन तो देखते होंगे, लेकिन इस बार पूरे इंडिया से लेकर सारे ड्राइवर लोग यहाँ पर आए हैं जो अपनी 12 मांगों को लेकर 2 साल से धरना प्रदर्शन करते हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या क्या इनकी मांगे हैं। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह और मैं आगरा से उत्तर प्रदेश टूरिस्ट ड्राइवर एंड एम्प्लॉय यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। सर जैसे आप लगातार अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपकी मांगें जल्द पूरी हो पाएंगी? अब सर 19 के चुनाव भी आने वाले हैं। सर हमें आशा तो है और हमें उम्मीद भी है कि हमारी ये मांगें मानी जाएंगी, क्योंकि हमारी कोई भी मांग जो है वो नाजायज़ नहीं है। ड्राइवर्स और ड्राइवर्स के परिवार उनके हित में है, बरसों से ये चला आ रहा है। आज तक जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो ना तो ट्रांसपोर्टरों द्वारा दी गई, ना ही जितनी भी सरकारें आईं किसी ने हमारी तरफ ध्यान अंकित किया, तो ये एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे परिवार भुखमरी के कगार पे हैं। अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो एक दिन हमारे ड्राइवर जो हैं वो उनके परिवार उनका भरण पोषण भरपाई होना मुश्किल हो जाएगी। तो हमारी ये विनम्र निवेदन है सरकार से कि हमारी इन मांगों को ध्यान में रखते हुए इनको पूरा किया जाए, क्योंकि हमने जो भी कुछ मांग रखी है वो संवैधानिक है, नियमावली के तहत है, उसमें कोई अनुचित डिमांड नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि इस पे सरकार जरूर गौर करेगी। अभी आजकल समस्या क्या है कि हमारे ड्राइवरों का जो शोषण हो रहा है उसकी वजह से पिछले तकरीबन 3-4 महीने के अंदर 8 से 10 ड्राइवरों की मौत हो गई, और मौत का कारण है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनियां जिनके पास में हमारे चालक भाई काम करते हैं वो उससे बुकिंग की एवज में 50,000-70,000 रुपए तक लेती है एक टूर का। यानी कि अगर आपने एक महीने के अंदर 3 टूर लगाए तो 1.5 लाख रुपए आपसे ले लिए या 2,10,000 रुपए आपसे ले लिए। अब जो बंदा ये टूर करता है, जो चालक ये टूर करता है, वो ये सोचता है कि यार अगर इस टूर में मेरा ये पैसा नहीं बना तो मैं कहाँ से इसको दूंगा, और उसको देना पड़ता है, वो और माइनस में जाता है। पिछले हम 2 साल से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कुछ सहयोगी यूनियनें थी उन्होंने भी काफ़ी करा, लेकिन अब सब यूनियनें इकट्ठी होकर इस धरना प्रदर्शन को कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं पवन ठाकुर। इस वक्त मैं दिल्ली के सरायकाले का हूं, जहां पर एक मासूम बच्ची कुछ दिनों से गायब है, और कैसे गायब है और कहां से गायब है आइए जानते हैं उनके परिवार से। जी मैं लड़की का मामा हूं। आपका शुभ नाम? जी कुणाल नाम है मेरा। बच्ची कितने दिन से गायब है? सर आज 11 तारीख से गायब है। 11 तारीख से कहां पर? मीना बाजार में, वासी का नाम है, हमारी बहन रहती का नाम है, सामान लाने के लिए कपड़े बच्चों के, तो वहीं से ही क्या नाम है एक दुकान पे संभाल लिया, दूसरी दुकान पे गई, उसके बाद में पीछे देखा तो लड़की थी नहीं। तो सर ये वाली लड़की है, और क्या नाम है इसका एक हाथ खराब है, एक थोड़ा सा पैर भी इसमें दिक्कत है पैर में, तो ठीक से चल नहीं पाती है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो पड़े, सारी जगह हमने देखा वहाँ पे, कहीं पे भी हमें कुछ भी पता नहीं चला इसका। पुलिस वालों से हमने बात करी तो वो कह रहे हैं कि क्या नाम है ढूंढ रहे हैं, तो मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा है। किसी पर शक है आपको? शक वहाँ पे क्या नाम है जितने भी मतलब एरिया है जिस हिसाब से वो, तो लग रहा है कि क्या नाम है बस सारे जने वहीं पे, किसी पे डाउट ही है वहाँ पे जो घूमते रहते हैं वहाँ पे, काफी परेशान मतलब जा रहे हैं बराबर वो रहन बसेरे पर, लेकिन वो पता नहीं निकाल पा रहे, बहुत कोशिश कर रहे हैं। और ये भी नहीं कि हम 5-6 जने जाते हैं पुलिस वाले के पास में, और कल मैडम ने ये बोला कि तुम परेशान मत हो करो ज़्यादा और हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो कि वो ढूंढ निकालेंगे। जो पुलिस वाले ने आपको वीडियो फुटेज दिखाई उसमें अच्छा, आपको शक है? अच्छा, जो कल मेरे को बुलाया था तो वीडियो वो दिखाई थी, तो बस दिखा तो 3 दिन से रहे, उसका पता भी तो निकाले, और उसका पूरा शक जा रहा है क्योंकि जो हमने उसको सैंडल पहनाई थी वो सैंडल पहन रही है, और जब लड़की पे खड़ा नहीं होगा ना, दो लड़कियों की गोदी में है, दो लड़कियों के पास है वो, हमने ये देखा कि दो लड़के हैं, उसको उठा खड़ा कर रहे हैं, फिर उसको खड़ा करके जब उस पर खड़ा तो हुआ नहीं जाता, फिर उसको गोदी में डाला है, उसके मुंह पर कपड़ा ढक रखा है, उस पर हमें पूरा शक जा रहा, तो हम ये कह रहे जल्दी से जल्दी इस लड़की को हमें दिखाओ, लेकिन अभी तक तो कोई सुनाई है नहीं, कोशिश करके मेहरबानी करके उस लड़की को जल्दी से पता निकालो, क्योंकि उसकी माँ
बहुत परेशान है। आपसे खोइए, अगर हम आपसे हमारी लड़की खो देती है, पुलिस ने आपसे ऐसा, हाँ कि आपसे खोइए, लड़की को छोड़ने आई थी, तो फिर लड़की ने कहा अगर मैं छोड़ने आती क्यों मैं ऐलान कराती, क्यों मैं ढूंढती, और रही बात की रिपोर्ट कराती भी। हाँ अब ये लड़की बहुत परेशान है। तो ये थी 10 साल की मासूम बच्ची का हाल, जो 6 दिन से गायब है, और पुलिस प्रशासन क्या सॉरी है, अभी तक इनके कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बोला अगर इनकी कोई आगे कार्रवाई नहीं होती तो मुख्यमंत्री और दिल्ली कमिश्नर पर जाएंगे, अपनी बात आगे रखेंगे। ऐसी बने रही है मोबाइल न्यूज 24 के साथ, कैमरा पर्सन हितेश के साथ, मैं पवन ठाकुर। राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के अध्यक्ष जी वासुदेव बादल जी हमारे साथ हैं। वासुदेव साहब, अभी पुलवामा में हुए आतंकी हमले जिसमें हमारे 40 जवान जो है शहीद हो गए, उसको लेके क्या लग रहा है, क्या कितनी जल्दी सरकार को कदम उठानी चाहिए और क्या मांगे हैं आपकी, क्या होना चाहिए? मैं राष्ट्रीय दिव्यांग सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष वासुदेव बादल। पुलवामा में जो आतंकवादी घटना हुई उसको पूरा राष्ट्रीय दिव्यांग सेना और बहुत निंदा करता हूँ, और भारत सरकार से खास पर मोदी जी से अनुरोध करता हूँ, ये बहुत हो गया पाकिस्तान का ड्रामा। 20 करोड़ आज़ादी हमारे 120-130 करोड़ आज़ादी पर भारी पड़ रहे हैं। 20 करोड़ का आबादी वाला एक देश 135 करोड़ आबादी को धमकी दे रहा है, उस पर हमला कर रहा बार बार, और हमारे प्रधानमंत्री विदेश में घूमते रहते हैं, जिसको हम निंदा करते हैं और मोदी जी को अनुरोध करते हैं 24 घंटा अंदर उनको जवाब दीजिए, ताकि वो दोबारा बॉर्डर के आसपास कोई ना सेना नज़र आए ना उनकी आतंकवादी नज़र आए। जितना बड़ा हमला उतना बड़ा जो है बदला, उसी की मांग जो है पूरी आज दिल्ली में NCR में देखने को मिल रही है, जंतर मंतर से लेके आपको इंडिया तक जो है लोग कैंडल मार्च करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ राज कुंद्रा। जिस तरह से हमारे देश में जवान जरूरी होता है, उसी तरह से हमारे देश में जो है खिलाड़ी भी जरूरी होता है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि अभी हाल ही जो है हमारे दिल्ली के 2 नौजवान ने जीत के लाया, जिससे जो हमारे देश का ही नाम रोशन नहीं बल्कि दिल्ली का भी नाम रोशन हुआ है। आइए हम जानेंगे कि कितनी मुश्किल जो है इन्हें उस बॉक्सिंग चैंपियन में जो है करने को मिली, देखने को मिली, जिसके कारण जो है आज ये हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए, इंडिया के लिए जो जीत के लाए हैं, क्या था वो, कैसे था, कितनी मुश्किल से आपने उसको हासिल किया होगा? वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अभी मैंने गोल्ड मेडल जीता है, और मुश्किल ये थी कि उसमें ज़्यादा हमारे स्पॉन्सर नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारी गेम अभी ओलंपिक में नहीं आई थी, लेकिन अब ओलंपिक में आ जाएगी, इसलिए हमें जो फीस होती थी हमारी एंट्री फीस, वो हमें अपनी जेब से भरनी पड़ती है, जेब से भरने, और ना सपोर्ट मिल पाता, ना डाइट का खर्चा वगैरह, ये सब, और ये सब हमें खुद करना पड़ता, बस सारी दिक्कत यही थी। सरकार के सपोर्ट ना मिलने के बाद भी जो है फैमिली का सपोर्ट होने के कारण आज जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कराया। एक और खिलाड़ी हमारे साथ है, अपना नाम बताइए। मैं निखिल कुमार हूँ। निखिल कुमार जी, कब से आप बॉक्सिंग कर रहे हैं? और मेरे को 3 साल हो चुके हैं बॉक्सिंग खेलते हुए, कम से कम मैं 10th क्लास के बोर्ड में थे जब मैंने स्टार्ट करा था अपने बोर्ड के पेपर साइड रख के। तो ये थी कुछ स्थानीय खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।